तो चलिए अब इसको खोलते हैं एंड अनबॉक्स करके देखते हैं कैसा है एंड चार्जिंग स्पीड देखते हैं कैसा है। तो स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। मैं जा रहा हूँ दोस्त के घर, वो बोल रहा है कि मेरा पीस खराब हो चुका है, तो उसे ले जाते हैं। मेरे एक और भैया हैं जिनके, तो चलिए चलते हैं। ऐसा ड्राइव कर रहा है, मुझे धक धक हो रहा है, फोन गिर ना जाए बाहर, इतना स्पीड चला रहा हूँ मैं खड़ा रोड पे। और ये आ चुके हैं हम, और यहाँ अंकल जी बैठे हुए हैं। तो चलिए अभी इसको लेते हैं एंड चलते हैं। तो अंकल जी आपका पीसी खराब हो गया, कैसा लग रहा है आपको? कहा इसका पीसी कुछ ऐसा है, हमारे इधर 4 दिनों से लाइन नहीं है, जिसके चलते से पूरा बिखर गया है सारा चीज। एंड देख सकते हैं कितना रही से एप्पल वर्क यूज करता है ये बंदा। ये है वो इंसान। तो कैसा लग रहा है आपका पीसी खराब हो जाने के बाद? दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से। घर में जो डांट मिलता है वो अलग, और समझ सकते हो इस 80,000 का पीसी, 80,000 का पूरा घर बिक जाएगा इसमें। तो चलिए अब चलते हैं भैया के पास। हमारा फोन तो 2 दिन में आ गया था एंड अभी चार्जर लेने आए हैं करीब 2 सप्ताह बाद। लीजिए, तो ये रहा चार्जर, अब चलते घर जाके चेक करते हैं। तो चलिए अब इसको खोलते हैं एंड अनबॉक्स करके देखते हैं कैसा है एंड चार्जिंग स्पीड देखते हैं कैसा है। सेफ रखना चाहिए, कुछ ऐसे लगता है। तो कुछ ऐसा है ये तार, और यहाँ मैंने लगा दिया एंड सेफ्टी के लिए ये थोड़ा सा मैंने फ्लिपकार्ट पे खर्चा कर दिया था। इसमें इतना सारा जन्म कुंडली दिया गया है जो कि शायद मैं कभी नहीं पढ़ पाऊँगा, इतना सारा है। तो भाई सस्ता यूट्यूबर को लेके चल रहे बर्गर चैलेंज करने के लिए स्टेशन। तो चलिए अभी सबसे पहले चलते हैं बर्गर दुकान एंड वहाँ से 2 बर्गर लेते हैं। सो ओके गाइस, मेरा फ्रेंड अभी गया है दूध लाने, हम दूध लेते हैं, फिर यहाँ पे बगल में लेंगे बर्गर का शॉप है, यहाँ बर्गर लेंगे एंड निकलेंगे हम लोग स्टेशन, उसके बाद करते हैं अपना ब्लॉग को कंटिन्यू। तो चला गाइस, मेरा फ्रेंड आ चुका है दूध लेके, चलिए बर्गर लेते हैं। तो चलिए गाइस बर्गर ले लेते हैं, पहले ट्राई करेंगे। गाइस हम लोग मेन रोड से नहीं जा रहे, शॉर्टकट लिए क्योंकि पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, जिसके चलते हम लोग शॉर्टकट का हमेशा यूज करते हैं। भाई मैं तो उड़ जा रहा हूँ, पानी में फोन गया ना भाई, करियर खत्म है भाई। हैप्पी ड्राइवर बनने की कोशिश ना करिए। गाइस अभी कुछ ही पलों में हम लोग स्टेशन पहुँच जाएंगे एंड सर, और थोड़ी ही देर बाद सनसेट होने वाला है। गाइस मेरा एक फ्रेंड इधर मिला है जो कि एडिटिंग में मास्टर है, इनका नाम है रबीउल एंड ये काफी मस्त एडिट करते हैं वीडियो को। रबीउल खान -04। चलिए तो गाइस, गाइस इस बंदे ने मेरा 100 रुपया खा गया गाइस, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं गाइस। बूम। तो ये है गाइस अम्मा जोड़ा स्टेशन एंड यहाँ पे हम और मेरे दोस्त आए हैं एंड यहाँ बर्गर खाएंगे, तो देखते हैं कौन सबसे फास्ट खाता है। एंड अभी थोड़ी देर बाद यहाँ सनसेट होने वाला है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग, तो ये रहा हमारा बर्गर। तो ये जो कचरा, ये हम लोग इधर उधर फैलाते नहीं है, इसे हम पॉकेट में भरेंगे एंड कहीं जहाँ कचरा का ढेर होगा वहाँ फेंकेंगे। तो ये सबको एक साथ भरते हैं, इसे पैकेट पे डालते हैं एंड चलते हैं।
तो गाइस बर्गर तो खा लिया है, काफी टेस्टी था। एंड चलते हैं पानी पीते थोड़ा सा, एंड फिर इसका कोई काम नहीं हुआ, थोड़ा सा काम हुआ फिर। गाइस ये जो बंदा देख रहे हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा शरीफ इंसान है, इसको हैंडल लॉक करने कौन जो बोला था भाई, अब देखते क्या होता है। करीब एक डेढ़ घंटा लग जाएगा नहीं खुला तो, खुल गया तो अच्छा। अरे गाइस खुलेगा, हम एक यूट्यूबर है एंड यूट्यूब पे सर्च करके खोलेंगे गाड़ी का, टेंशन डरता भाई। फाइनली खुल चुका है, अब चलते हैं घर भाई। हमने कहा था ना 2 मिनट का कम, डरता भाई हो गया भाई, अभी पूरा घंटा लग जाता है यार। दिखाओ जरा, ये देखो भाई लॉक खुल, अब लॉक मत लगाते, और एक बार लॉक कर देते हैं, और एक बार लॉक करते हैं, फिर से खोल के दिखाते हैं। नहीं अब चलते हैं घर, खतरा है क्या पानी में भी? हाई वोल्टेज इसमें पानी में, अरे लो रे भाई छोड़ देगा क्या, पकड़ो। तब चलते हैं घर,